जितने भी नॉन पीडीएफ स्मार्टफोन्स में सिम चली हैं, क्या वो स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली पीटी अप्रूव हो गई हैं? क्या आगे चलकर नेटवर्क लोड शेडिंग हो सकती है? तो आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालों का जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हनान और आपको वेलकम कहता हूं एक बार फिर हंटेक पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो यार, रिसेंटली पीटीए की तरफ से एक एक्टिविटी हुई थी जिसके अंदर जितने भी नॉन पीडीए आईफोन थे उन सब में सिम वर्किंग स्टार्ट हो गई थी, और जितने भी लोग आईफोन यूज कर रहे थे, जिस तरह मैं आईफोन यूज कर रहा हूं तकरीबन 2-2.5 साल हो गए मेरे पास, ये 11 प्रो जब नया लॉन्च हुआ था तब का मेरे पास है और अभी तक मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो इस वजह से मेरा ये ब्लॉक हो गया था। दोनों सिम मैंने यूज कर ली थी, तो मैंने सिम डाली, मेरी वर्किंग स्टार्ट हो गई, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था। इसके अलावा जितने भी नॉन पीटीए यूजर हैं जिनके फोन में सिम वर्किंग नहीं भी कर रही, उनके लिए भी मेरे पास हल है, और ये सिम अभी भी मेरे स्मार्टफोन में वर्किंग कर रही है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके पीछे क्या रीजन और ये कब तक वर्किंग करेगी। तो अगर आप उससे पहले चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने भी यूजर आते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, यार अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, हम इस तरह के मजीद कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे नेटवर्क लोड शेडिंग की बात करूं तो ये एक बड़ी बुरी न्यूज सुनने को मिल रही है। क्या पाकिस्तान में अब जो नेटवर्क है, जिस तरह जायज, जियोफोन, वारिद, जोंग, जितने भी नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर लोड शेडिंग हो सकती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है पीटीए को कि अगर इस तरह से हम पे टैक्सीज का बर्डन रहा तो हम, हो सकता है, पॉसिबल है इन फ्यूचर हम ये नेटवर्क लोड शेडिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर जो नेटवर्क्स हैं जितने भी जोंग जैसा कि मैंने बताया इन सब पे लोड शेडिंग हो सकती है। अब ये नहीं कन्फर्म किया गया कि कॉलिंग की लोड शेडिंग होगी या इंटरनेट की लोड शेडिंग होगी या फिर सिम नेटवर्क की किस चीज की लोड शेडिंग होगी, लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि इसके ऊपर भी लोड शेडिंग हो सकती है। तो इसके लिए मुल्क के हालात का बेहतर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो स्टेबल होंगे तभी तो हम इन चीजों से बच सकेंगे। इसके अलावा अगर मैं पीटीए से रिलेटेड बात करूं तो यार रिसेंटली अभी तकरीबन सैटरडे वाले दिन की बात थी, मेरे दोस्त की कॉल है कि यार अपने फोन में सिम डाल, आईफोन में सिम वर्क करना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने सिम डाली, मेरी सिम चल गई और मैं खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगा शायद नॉन पीटीए जो फोन है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने आते कुछ किया तो था नहीं, मैंने कहा शायद ये एक अच्छा काम कर दिया कि हमें इधर से बच जान बच जाए शायद हमारी, कि हमारे यहाँ से टैक्सेस बच जाए या हमारे टैक्सेस कम हो जाए पीटीए की तरफ से। लेकिन ऐसा पॉसिबल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली कोई न्यूज नहीं आई, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम के ऊपर यूट्यूब पे पहली हमारी वीडियो थी जो कि आपको बता रही थी जिसमें आप नॉन पीटीए आईफोन में सिम चला सकते हैं, लेकिन उसमें कई लोगों के कमेंट्स आए, भाई ये फेक है, ये फ्रॉड कर रहे हैं आप हमारे साथ, आप झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं चाह रही हमारी। तो ये चीज सुन के ना मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे फोन में वो सिम वर्क कर रही थी। और अगर कोई एक सब्सक्राइबर था, ये कमेंट्स में पढ़ा था, तो उन लोगों को इशू आ रहा था कि उनकी सिम वर्क नहीं कर रही थी उनके नॉन पीटीए फोन में। तो मैं खुद भी उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, किस वजह से जो जिनके पास नहीं वर्क कर रही उनके पास क्यों नहीं वर्क कर रही, और जिनके पास वर्क कर रही है उनके पास क्यों वर्क कर रही है, क्योंकि उस टाइम तक पीटीए की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई थी। और आपको लीक्स और रूमर्स इतने ज्यादा मिल रहे थे कि भाई पीटीए की वेबसाइट हैक हो गई है, यार पीटीए ने टैक्सेस रिमूव नहीं की, ये कोई ग्लिच है उनका। एटलीस्ट उस पर बिलाल भाई ने भी वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने खुद भी बताया था कि यार ये पीटीए का कोई ग्लिच है, उनको खुद भी ऑफिशियल अब एटलीस्ट न्यूज नहीं मिली थी उस टाइम पर। तो मैंने अभी डॉन न्यूज की एक न्यूज सुनी है जिसमें बताया गया कि पीटीए ने ये लालच दी थी नॉन पीटीए यूजर्स को कि वो अपने स्मार्टफोन में वाईफाई के साथ किस तरह चल सकते हैं और अगर सिम चलाते हैं तो किस तरह उनकी जिंदगी आसान हो सकती है। लेकिन एक और चीज जो मैं आपको बताता चलूं, ये जो न्यूज है ये डॉन न्यूज की तरफ से अभी जा रही है, मैं वीडियो में उनकी न्यूज़ ऐड कर दूंगा, लेकिन मैंने अभी पीटीए की वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा कि पीटीए ने कहा कि हमने अपने यूजर्स को लालच दी है उनके फोन में सिम चलती है या 60 दिन तक चलेगी, ऐसा मैंने पीटीए से अभी कोई भी न्यूज नहीं सुनी है, ये मैंने डॉन न्यूज की ऑफिशियल न्यूज सुनी है। इसके अलावा काफी ज्यादा लोग ये भी कह रहे थे आप सेलुलर में जाके अपनी सिम सेटिंग में जाके वहां पे ऑटो की जगह जैज सेलेक्ट करें तो वहां से सिम चल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है या अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये पीटीए की तरफ से नहीं जा रही, तो आप इन सब चीजों से दूर रहे। लोग ये भी कह रहे थे एयरप्लेन मोड ऑन करके ऑफ करें, मोबाइल रिस्टार्ट करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप भी इन सबसे नकालों से होशियार रहिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये पीटीए की तरफ से कुछ इशू है जिसमें कुछ स्मार्टफोन पे चली है, हर स्मार्टफोन पे ये वर्क नहीं कर रही ट्रिक। तो अभी तक जिन पर भी चल रही है ये डॉन न्यूज की ऑफिशियल न्यूज है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये 60 दिन तक चलती है, क्योंकि पीटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब तक कोई न्यूज नहीं आएगी तो तब तक हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये पीटीए की तरफ से कुछ स्मार्टफोन अनलॉक हुआ है या फिर ये कोई ग्लिच वगैरह या कोई हैक वगैरह जिसकी वजह से चल रही है, या फिर ये पीटीए की कोई चीप मार्केटिंग टाइप कुछ है कि आप टैक्स दें और अप्रूव करवाएं, क्योंकि लोग अब टैक्स दे ही नहीं रहे पीटीए को, क्योंकि इतने ज्यादा टैक्स इंक्रीज हो गए हैं कि लोग टैक्स देना समझते हैं जैसे
मोबाइल की बजाय ना कोई और साथ छोटा फोन ले लो, तो कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहा। तो पॉसिबल है ये पीटीए की कोई चीप मार्केटिंग ट्रिक हो, और इसमें अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा थर्ड थिंग, जो लोग परेशान है कि यार अब हमारे फोन में तो सिम नहीं चली नॉन पीटीए, अगर हमारे पास आईफोन है और नई सिम चली तो अब हम क्या करें, आगे हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम अपने फोन में सिम चला सकते हैं। तो यार उसका सीधा सीधा आंसर है, आप चुप करके एसकॉम की सिम बाय करें। नॉन पीटीए आईफोन्स के लिए बेस्ट है कि आप एसकॉम की सिम चलाएं, आपके फोन में वो इजीली वर्क करती है, उसकी नेटवर्किंग, उसकी कॉलिंग, उसकी पैकेजेस। मैं खुद पैकेज यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने 300 में 5GB का पैकेज करवाया हुआ है, जो कि मंथली पैकेज है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन उस लिहाज से बड़ा बेहतर है जो कि दूसरी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। क्योंकि इसके अंदर जो आपको एक बेनिफिट देखने को मिलता है ना, अगर आप इसमें 300 का लोड करवा रहे हैं तो इसके अंदर जो आपको लोड है वो पूरा 300 ही आएगा। क्योंकि इस सिम पर किसी किस्म का मेरा नहीं ख्याल कि कोई टैक्सीज वगैरह लगे हैं, ये टैक्सीज वगैरह पे करने पड़ते हैं। अगर आप 100 का बैलेंस करवा रहे हैं तो आपके पास पूरे 100 ही रुपये आ रहे होते हैं, आपका कोई टैक्स नहीं कट रहा होता है। ऐसा नहीं आपके जिस तरह जैज जोंग वगैरह, इनके अंदर अगर आप 100 का लोड करवाते हैं, 100 का इजी लोड करवा रहे हैं तो इसके अंदर आपको 30 रुपये या 25 रुपये कट के आते हैं। उसको भी अभी बढ़ाए जाने के बारे में सोचा जा रहा है कि इस टैक्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसकॉम की बात करते हैं तो उस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इजी लोड की परेशानी है तो कोई मसला नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूंगा कि आप किससे इजी लोड करवा सकते हैं। मेरे पास गिलगित में काफी ज्यादा जानने वाले ऐसे लोग बैठे हैं जो कि इजी लोड का काम करते हैं। और एक और चीज जो कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई एसकॉम की सिम हम कैसे ले सकते हैं। देखिए भाई, मेरा क्या कहते हैं, मैं कोई सेलर नहीं हूँ या मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करता, मेरी कोई किसी तरह से भी कोई जान पहचान या कोई शॉप नहीं है जहाँ पे मैं एसकॉम सेल करूँ। मेरा काम था सिर्फ गाइड करना नॉन पीटीए यूजर्स को, क्योंकि मैं खुद भी नॉन पीटीए यूजर हूँ। तो अगर आप नॉन पीटीए यूजर हैं और आपके पास कोई सिम चलाने का मसला है तो आप एसकॉम बाय कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि आप किस तरह से एसकॉम बाय कर सकते हैं, किस तरह उसको यूज कर सकते हैं, क्या उसके नेटवर्क पैकेजेस हैं और क्या उसकी कॉलिंग है। तो ये सारी चीजें आप उसके एसकॉम के पूरे पार्ट में देख सकते हैं। मैंने उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर आप तकरीबन सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप भी एसकॉम की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप जरूर उसकी तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके फोन में सिम चल रही है तो वेल एंड गुड, आप चलाते रहें। जब तक चल रही है चलने दे। काफी लोग कह रहे हैं बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी, भाई जब बंद होगी तब की तब देखी जाएगी। हम पहले कौन सा चला रहे थे, पहले भी उसके बगैर ही गुजारा कर रहे थे। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। क्योंकि एक न्यू क्रिएटर को सबसे ज्यादा सपोर्ट होती है आप सबकी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया करें, सिर्फ पूछा ना करें, फॉलो भी किया करें, पूछ के भाग जाते हैं, फॉलो इसने करना होता है, फॉलो भी किया। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।